अरे भाई का बर्थडे है, बहन नाचेगी, मेरे भाई का बर्थडे है, भाई नाचेगा, बड़े भाई का बर्थडे है। तू ने एक जुराब पहनी है, उसने एक जुराब पहनी है, तू नंगे पैर है, वो नंगे पैर है। ये कह रहा मम्मा बैठ में बढ़िया है, पहले बच्चों का करो, फिर बच्चों की माँ का करो, और ऐसे क्या तो नीचे दौड़ कटे है मेरे भाई, कटे है स्कूटर बना। पहली बार मैंने देखा कि ऐसे इतनी सुंदर लड़की ने बैंड लगाया है। हाँ। इसने अपना टॉयज के टपोले पे मारा। जैक क्यों मारा भैया को? हैप्पी बर्थडे डियर जैक। ओके बात दिखा चीकू। और उसके से लगी आजकल तेरे दिमाग बहुत चल रहे हैं। बड़ी होगी ना मैं। बस हो ना बाबू सुंदरा मारा बेटा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। तो गाइस अभी बज गए सुबह के 9:30 और मैं ना जल्दी उठ गई। फटाफट उठते सबसे पहले शावर लिया और अभी मैं रेडी हो रही हूँ। रेडी किस लिए हो रही हूँ? क्योंकि मुझे पायल अरमान जी को जाना है कहीं बाहर। गुड मॉर्निंग सुबह। गुड मॉर्निंग तुबू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सैश। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गयान। गुड मॉर्निंग बेटी। गुड मॉर्निंग सोना बाबू। कहाँ जा रहे हो भाई? मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ निक्की चाची के साथ। निक्की चाची के साथ घूमने जा रहे हो? और भाई का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करोगे? आपके करूँगा। अच्छा भाई के लिए कुछ लाओगे? क्या लेके आऊँ बताओ? मैं तो नहीं बताऊंगी, आप अपनी मर्जी लाना। कुछ तो टॉय लेके आऊंगा उसके लिए। टॉय नहीं, अभी टॉय को नहीं पता उसको। कुछ बच्चों वाला जिससे वो खेल पाए अभी। तो वेलकम बैक टू लोग। आज का लोग बहुत ही लेट शुरू हो रहा है क्योंकि आज मम्मा बहुत बिजी थी बाहर। आज है गाइस भाई का बर्थडे। आज है भाई का बर्थडे। तेरे भाई का बर्थडे है। भाई के दोस्त भी आए हैं, छोटे छोटे दिखाऊं? भाई का बर्थडे है। तेरे भाई का बर्थडे है। गलत। बहन नाचेगी, मेरे भाई का बर्थडे है, भाई नाचेगा, बड़े भाई का बर्थडे है। गलत गाती है। भाई नाचेगा, बड़े भाई का बर्थडे है, इस दिन बड़े भाई का बर्थडे। बड़े भाई आज आप लोगों की कौन सी पार्टी है? क्या खाना बर्थडे में? क्या बनाऊं बर्थडे के? पिज्जा। पिज्जा पार्टी? नहीं। तो गाइस यहाँ पे हम लोग करके आए बहुत सारी शॉपिंग। अगर आपको ये शॉपिंग देखनी है तो आप फैमिली फिटनेस वाले चैनल पे जाना, वहाँ पे सब कुछ दिखेगा आपको, हमने क्या क्या लिया है, क्या क्या नहीं लिया है। और जैद के बर्थडे की बस तैयारी करने वाले हैं, केक आ चुका है। पायल तू यान के साथ ट्विनिंग कर रही है क्या? नहीं। तू ने एक जुराब पहनी है, उसने एक जुराब पहनी है, तू नंगे पैर है, वो नंगे पैर है, तुम दोनों एक एक जुराब पहनी है। मैंने तो पहनी ही नहीं ना, मैंने एक ही पहनी थी, दूसरी पहनी। चीकू को कल पार्टी लंच लेके जाना ना, तो उसके लिए सामान मंगा रही थी जो घर पे नहीं था। ठीक है। तो ये एक मैं पहननी भूल के पहन रही थी, इसने तो पहनी हुई थी। काम करती हूँ, दोनों को पहना देती हूँ। देते कोई पहना दूँ? हो रही तेरी पीछे। ये कह रहा मम्मा बैठ में बढ़िया है। खुद का दिमाग करा है वो, कर रहे हो उसे खेलने दो ना। आंधी हो क्या? सामने पड़े दिख नहीं रही है क्या? तो यार पहले बच्चों का करो, फिर बच्चों की माँ का करो है। अब मैं सोच रही हूँ पहले इनका डायपर चेंज करूँ। गोलू फिर जाऊँ। मैंने तेरे नाम का टैटू करवाया गोलू, इसका थोड़ा ध्यान रख ले यार। यार पहले मैं क्या बोलती हूँ? नहीं इसका थोड़ा ध्यान रख ले, इसमें टाइम पे टाइम वैसलिन लगा दिया करो, ये चमकता रहे तेरा। ठीक है। अब लोग बोल देंगे पायल बहुत चलाक है। हाँ। एक टैटू बनवा के सेवा करवा रही है। नहीं गाइस इसमें चलाक की क्या? एक बात बोलूं, मार में जिगरा तुम करवा लो कृतिका नाम का। बोलो तुम्हारे भी करते की सेवा। नहीं तुम्हारे में जिगरा तुम करवा लो, बहुत बड़ी बात है। देखो बोलना और परमानेंट टैटू करवाना बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना? इंसान परमानेंट टैटू से उसी को कराता है जिससे वो दिल से प्यार करता है। अरे मेरा फोन बज रहा है, रुक जा भाई। तो गाइस कल रात को क्या हुआ मैं बता देती हूँ, इस लड़के की बात बता देती हूँ, इसने क्या किया। ठीक है। तो मैं पायल चीकू सो रहे थे कि ना हम लोग ना बच्चों को यहाँ पे सुला देते हैं, फिर ना बच्चे जब बीच बीच में उठते रहते हैं ना तो हम देखते रहते हैं। तो मैं पायल सो रहे, चीकू सो रहा, तो सुबह सुबह मुझे नैना ने बताया जो बच्चों की नैनी है कि ना दीदी रात को ना क्या हुआ अयान मुझे दिख नहीं रहा कमरे में, सुबह सो रही जैद सो रहा, मैं देख रही अयान कहाँ गया। फिर मैंने देखा यार दोनों दीदियाँ चीकू तो सो रहे हैं, अयान नहीं दिख रहा, अयान नहीं दिख रहा। हाँ बेटा आपकी बात है, एक सेकंड उसको पूरी बात सुना। तो उसने बोला अयान नहीं दिख रहा, अयान नहीं दिख रहा, अयान तो मम्मा के पास भी नहीं है। तो उसने फिर एक हमारे तो कमरे में घर में तीन कमरे है ना, एक कमरे में हम सोते हैं, एक में वो, तो दूसरा तीसरा कमरा चेक किया अयान का यहाँ का, तो ना वो ढूंढती गई यान का। थोड़ी देर में देखा जो उनका जो बेड है ना बेड, वो बेड के नीचे लेटा हुआ था यान, नीचे गिर गया था गलती से और आराम से खेल रहा। इसलिए क्या करता है अपने मुंह में ना ब्लैंकेट रख लेता है पूरा, और ब्लैंकेट के साथ ना खेलता है। ब्लैंकेट खेलते खेलते इसने मोटे कपड़े पहने हुए थे, टोपी पहनी हुई थी। तो भैया ये ना ऐसे करके ऐसे जैसे ये जैसे फर्श है नीचे का है, ऐसे नीचे करके आराम से खेल रहा था। मतलब इसको ये भी नहीं पता है गिर गई है नीचे इसकी सॉक्स, है इसकी फिर निकल गई सॉक्स, तो पहनाई नहीं इसकी मक्को पहनाई थी।
इसकी बड़ी माँ को भी नहीं थी पायल देख जैसे तो कोई लाइव एग्जांपल देती हूँ नैना नहीं देख नैना जैसे ये नीचे फर्श है ठीक है गिर गया होगा तो नैना ढूंढ रही काए 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 तो देखा ऐसे करके खेल रहा था दीदी यो बच्चा गायब हो गया बच्चा दीदी देखो दोनों दीदियां सो रही है भाई भी सो रहे हैं सारे कमरे अब मैं तो अब बच्चा बड़ा होता है ये सोचते थे बच्चा बाथरूम गया है बाथरूम भी नहीं कर सकता हमें कराना पड़ता है एक दिन तूबा की बताना क्या बोलता एक दिन तूबा में चीकू जैसा कर दिया मैं एक दिन तुम्हारे के साथ मैं भाई यहाँ सुला रही थी उसे मदर जब फीड कराती है ना तो इस तरह फीड करा रही थी मैं फीड करा के भूल गई यहाँ पे तुम्बा सो रही है मैं अपनी सोते सोते करवट ली ऐसे और ऐसे किया तुम्हारा नीचे दौड़ ऐसे मैंने चीकू के साथ में किया तो गाइस भाभी लास्ट टाइम पता क्या वो जब आप दिल्ली गए थे हाँ। यहाँ पे तुम्बा को सुलाया जहाँ बैठे हाँ। उसके बाद ना लाइट बंद करके चले गए थोड़ी देर देखो चलो तुम्बा को देख लेते उठे कि नहीं उठी और वो यहाँ पे दिखी नहीं अंधेरे में पता नहीं कहाँ चलेगी देखा मैंने ब्लॉक तुम्बा कोने पे बैठी हुई वो कोने में चुपचाप उसका हाथ क्या वो जैकेट के अंदर फंस गया अब वो मूवमेंट नहीं कर पा रही वैसे मैंने नोट किया तुम्बा को ना कोना बड़ा अच्छा लगता है उसी को कोशिश में ये बात है जब ये क्रॉल करेंगे ना ये जो अभी हम लोग चले जाते थे एक दो घंटे के लिए बीच में है घर से बाहर अपना काम करने वो नहीं कर सकते फिर हम कभी भी उठ सकते हैं तो एक्टिव हो गए ना पूरे कभी भी हाथ मुड़ रहा है उसका हाथ मुड़ रहा है गोलू कितने दिन काटेंगे हम ये बताओ बस चीकू का केक लेने भाई का आ जा भाई का बर्थडे मनाएंगे भाई हो गया पूरे 7 महीने का शर्मा गया भाई को जरा चेक करते हैं ठीक है पायल 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 देख पायल वेरी गुड आज केक ये खुद काटेगा भाई बैठ गया भाई का बर्थडे है भाई बेटा है मेरे भाई का बर्थडे 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 है आपको ही देख रहा है आपको ही देख रहा हूँ ओए मेरे भाई का बर्थडे है मेरे भाई का बर्थडे है चलो बस अब ज्यादा देर नहीं चलो अब दीदी आयान को बिठाती थोड़ी देर आयान ये नहीं बैठता ये कल बैठा था ये थोड़ी देर वाओ नहीं ऐसे ही मत बिठा बच्चों को ना हमेशा ना बोलते हैं ऐसे हल्का सा ना थोड़ा सा नीचे होने ये बैठ गया मिशन सक्सेसफुल बहुत ज्यादा बैठ के लुढ़क गया लुड़कू बैंगन ना तू डांस ज्यादा करते हैं ना ये नीचे भी नाच रहा था उस दिन पार्टी में मुझे ऐसा लग रहा है भैया मेरे अंदर डांस का कीड़ा नहीं है ये ना बड़ी मम्मा में डांस का कीड़ा है उस पे गए वो शायद डांस करेगा बड़े हो गए काफी डांसर बनेगा ये फुटबॉलर भी बन सकता है हाँ बचपन में भी ऐसी करते अच्छा और कोई गेम ऐसा तो नहीं है बड़े होके साइकिल स्कूटर पे लात मारे रिक्शा वाला नहीं स्कूटर पे लात मारे वो कहते हैं ना कि कूद के पैर पालने में दिख जाते हैं वो सिस्टम हो रहा है तो ये फुटबॉलर ही होने का और कोई गेम है जो पैर से खेला जाता है हॉकी रनिंग होती है मिल्खा जी मिल्खा सिंह का नाम पता है रेस में ही है क्या पता रेसर बन जाए भाग मिक्का भाग हम बोले जैसे जैद खाना खा ले जैद कहाँ पहुंचा मम्मी हम तो लिफ्ट में होंगे मैं जैद कहाँ है मैं तो मम्मी 0 पे हूँ वापिस ऊपर आ जैद सुन रहे हैं सारी ये दोनों जो है आपस में आराम से खेल रहे हैं तूबा और तूबा भी उड़ गई है चीको बंद करो से सो चलो क्या कर सुबह स्कूल जाना भी थे स्कूल में सुबह पार्टी वेयर पहन के जाना बाल ठीक करो आज ना पायल मलिक ना मॉल गए थे तो ना पायल जी आज ना ये पहन के गए थे बहुत सुंदर लग रही थी ठीक है ब्लेजर और साथ में ये भी था चीको मम्मा मॉल गई थी पहन के मैं जब चेंजिंग रूम में गई ना बोलू तो ये मैंने देख लिया था मैंने वहां भी नहीं निकाला मैं घर जाके ही निकालूंगी अभी मैंने ऐसी टांग दिया मेरे बच्चे को मैंने टीवी चलाया था मैंने कहा चल मैं काम कर लेती हूँ तू बॉर ये बैठे ना आराम से टीवी देख लेंगे तू अचानक से ना 40 वॉल्यूम थी डर गया ये पता नहीं पहले इसको क्या हो गया पिछले 3-4 दिन से ना ये होता है बहुत डरता है पर ये ज्यादा डरता है पता नहीं क्यों इतना डरता है गंदा बाबू तो जैद के बर्थडे में उसके फ्रेंड्स भी आए हैं जो कि उनके भाई बहन है चीकू लग जाएगी उसको कौन है बेटा बहुत चल रही है ओए हैप्पी बर्थडे टू भैया हैप्पी बर्थडे टू भैया बर्थडे को आई है बर्थडे सॉरी बर्थडे को करी बर्थडे सिस्टर आई है इसके भाई का बर्थडे ना काफी हैप्पी है ये टकले पे कभी देखा बैंड नहीं पहली बार देखी मैं लगा सकती बेटा पहली बार मैंने देखा कि ऐसे इतनी सुंदर लड़की ने बैंड लगाया गाइस अभी आप ना व्लॉग देखते हो लेकिन स्किप करते हो और लाइक नहीं करते और आप ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को सब्सक्राइब करा करो और आप स्किप मत करा करो और लाइक करा करो बस
स्किप क्यों ना करें? क्यों? अच्छा, जब अच्छे सीन आते हैं तो स्किप मत करा करो। अच्छा, तो चीकू का कहने का मतलब ये है गाइस कि चीकू ये कह रहा है कि मेरा व्लॉग जो है लास्ट तक देखा करो, मैं बहुत एंटरटेन करता हूँ और बच्चे भी दिखते रहते हैं उसमें, तो आप लास्ट तक देख के जाया करो। और जब भी आप व्लॉग देखते हो ना, व्लॉग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है क्योंकि कभी भी कुछ भी आ सकता है। क्या हुआ? हुआ ये कि इसने अपना टॉयज के टपोले पे मारा तो ये रोने लग गया जोर जोर से। अच्छा, और हमें लगा पता नहीं क्यों रो रहा है। चीकू गया, चीकू को पता लगा कि इसने टपोले टपोले को मारा। चीकू बोला जैद क्यों मारा भैया को, पास होती उसी बात पे रोने लग गया। अब वो पता क्यों रो रहा है? क्योंकि आप सबको बता के उसकी बेइज्जती कर रहे हो। पिछले 5 दिन से नोट करो ना, बहुत रो रहा है, बहुत ज्यादा। तो गाइस आप लोगों की भारी डिमांड पे जैद का बर्थडे बनाया जा रहा है। भाई साहब लड़का बैठ गया पूरा तरीके से और हो गया है लड़का 7 महीने का। सो रहा था ये ना, और इसको पता चल गया ना कि इसका केक कटिंग है, तो खड़ा हो गया और देखना कितना एक्साइटेड है। एक्साइटमेंट, तूबा को दे दो बेटा। चलो भैया शुरू करते हैं कार्यक्रम। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। चलो चलो चलो, वेरी गुड। हाँ जी हाँ जी, इसका बर्थडे है। ऐसे नहीं होता, बच्चों का बर्थडे हो किसी का बर्थडे हो, जल्दी चलो। वो जहद देख रहा मेरी तरफ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जैदा, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। ड्रामे मत किया कर, माँ के लिए सब बराबर होता है। बेटा मम्मी की एक ही उंगली है ना, मम्मी ने पहले यान को खिलाया फिर आपको। वो खिलाया, अब खिला रही हूँ, मैंने खिला रही थी आपको। आ जाओ भाई सब लोग, कहाँ रह गए? खिलाओ बच्चों केक को, थोड़े से केक। पापा बर्थडे, पापा जैद की तरफ से। हाँ ना, तुम खा लो, बच्चों को मत खिलाना। नहीं हल्का सा सिर्फ टेस्ट करा भी, तो ये सैलेक वाले बच्चे हैं ना, टेस्ट करा सकते हैं। मैं इनको कह रहा हूँ, मैं इन बच्चों को। चलो भाई आ जाओ, चलो करो, चलो जी। ये वाला केक इनको खिला दे जैद की तरफ से, जैद और बच्चों को मत खिलाओ केक। चलो भाई चलो, शाबाश। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे जादू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जैदा, हैप्पी बर्थडे टू यू। उसके दोस्तों को भी खिला दो, गॉड ब्लेस यू। अब इसका मुंह देखना भाई, कैसा हो जाता है ये देखना। हैप्पी बर्थडे चिकू, हैप्पी बर्थडे बाबू। अब खाओ भाई, सारे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, सारे आ जाओ। मेरी तरफ से गिफ्ट, इतनी बड़ी चॉकलेट सब खा दो। आओ जैद के लिए, सच में वीडियो बना दी है इसकी। चीकू भैया उठ लो, वेरी गुड वेरी गुड। ताऊ जी सिर्फ सोन कर रहे हैं खिलाने का, सोन कर रहे ताऊ जी। सोन क्या होता है मतलब? बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है ना, तो ऐसे टच करके ले जा रहे हैं ना। सारे बच्चों को टेस्ट कर लो, चलो वेरी गुड। बहुत टेस्टी केक है, निकले क्या ये, बहुत टेस्टी। हाँ चीकू सुबह को मेरा हाथ चाट रही थी, आज तो केक ही केक हो गया, क्या बात है। केक फर्स्ट टाइम खाया इन्होंने? नहीं पहले भी खाया था, टच किया है। अच्छा, अन्नप्राशन के बाद बच्चों का बर्थडे था ना। हाँ। तब भी तो खाया, थोड़ा सा टेस्ट किया था बस। बबल बना रही है, फूट गया तब मुंह पे ना, कुछ ना गंदी शक्ल बना रखी है, देखियो डमरू जैसा हो गया तू यार। तेरे रो किस बात पर है? सुना क्यों रहे हो, इसलिए रो रहा है। ओ स्कूल तो जाना पड़ेगा बेटा, इसलिए रो रहा है। एक काम करो, कल की छुट्टी कर लो। नहीं पार्टी डे है वैसे तो। क्यों हो गया, रो क्यों रहे? मैंने ऐसे बाल पकड़ लिए ना। ओहो मैंने ऐसे ऐसे किया ना, जाओ जाओ यार, बच्चों को थोड़ा करना पड़ता है भैया, नहीं तो बच्चे हाथ से निकल जाएंगे। वो बात नहीं है, बात दिखा चीकू। अब आप प्यार करो, पहले डांटते हैं तो पायल डांटती है, तो आप प्यार करते हो, आप डांटते हो। मुझे बनाएगा है दिल, चुप होके बना रहा है। चलिए एक्टर है बच्चे का, मेरा माइक लगा कैसे लगी? कौन सी खरोच? देखना ये केक है पायल लाल वाला। अच्छा चाट के देखे बैठा होगा, ऐसे देखने में ऐसी लग रहा है। बातें करनी आती है बस तुझे। ओके जी बाय बाय, चाट के देख।
क्या कर रही है गोलू? पायलियर तू बने ना कपड़े, तू बगी रुक जा, तू बने ना कपड़े गीले कर लिए, अच्छा ना ठंडा लग जाए, तू बस बाबू सुंदरा मारा बेटा, मेरा सुंदरा बाबू, मेरा चुंदर भी है। और दूध की उल्टी कर दी, दूध की उल्टी, पता हुआ दूध निकाल दिया, पता हुआ दूध। इस बार सोने से पहले ना काम करते हैं, एक बार डायपर भी चेक कर लेते हैं ना। हाँ ठीक है, सबके डायपर चेंज कर देते हैं, फिर बच्चों को एक एक करके सुलाते हैं। ठीक है, चला जाओ। हाँ सुन, एक काम कर। हाँ, अयान के भी कपड़े लिया, जैद के भी कपड़े लिया, डायपर भी लिया, वाइप्स भी लिया। सुन, नारियल का तेल। ठीक है। और सुन, हाँ चिल्ला क्यों रही है? क्यों, कब से मेरे को कभी कह रही है गोलू ये लेके आ, मैं के हाल लेके आती हूँ, पहले टी शर्ट लेके आ लेके आती हूँ, गोलू फिर ये लिया मैंने के ले आती हूँ, फिर गोलू डायपर लिया मैं के ले आती हूँ, गोलू वो क्रीम लिया मैंने के ले आती हूँ, गोलू ये लिया। सुन मेरी बात, लास्ट चीज़ है, टोपी ले आई, तीनों, एक सेकंड, तीनों के कपड़े लेकर आऊँ? हाँ ठीक है। रात को इनको सॉक्स नहीं पहनानी, टोपी पहनानी है। ठीक है ठीक है, मैं लेके आती हूँ। गोलू ये ले। ठीक है, जिसको जो पसंद है उसको मैंने पहना दी। सॉक्स पहना दी? हाँ, सॉक्स के लिए मना मना कर रही थी, या तो सॉक्स पहना या टोपी, तो दोनों में से सॉक्स ज्यादा जरूरी है। बच्चों हमेशा तूने एक चीज नोट नहीं करी? हाँ। हमारे पैर ठंडे ज्यादा होते हैं। हाँ। अब तू पूछ नहीं रही कि गोलू तूने अलग अलग सॉक्स पहना रही दोनों सबको? मैंने देखी नहीं है, तूने बताई तो मुझे पता लगा। अच्छा मैंने अलग अलग बनाई है। एक ना बड़ी सी सॉक्स के अंदर ना चार पांच अलग अलग सॉक्स पड़ती है। आंटी के घर से जो कपड़े धोते हैं, हम 13th पे रहते हैं, तो हमारे यहाँ पे इतनी हवा आती है कि सॉक्स उड़ जाती है। ठीक है, तो फिर ये जो एक एक सॉक्स पड़ी है ना, मैंने सोचा ये वाली जगदी है, मैंने सोचा कि पायल ये सॉक्स वेस्ट ना हो जाए, एक एक बदे बिल्कुल नई सॉक्स पड़ी है। कैसा लगा मेरा दिमाग? बढ़िया, आजकल तेरा दिमाग बहुत चल रहा है। बड़ी होगी ना मैं। वैसे बच्चे होने के बाद ना समझदार ऑटोमेटिक औरत जो है ना वो समझदार हो जाती है। गाइस आपने भी फील की होगी। मैं ना अभी गाइस आपको एक बात बताती हूँ, ये मत सोचना प्रमोशन करूँ, मैं कोई प्रमोशन नहीं करी। अगर आपके भी छोटे न्यूबॉर्न बेबीज है ना, तो ये देखो ये सॉक्स के पीछे ऐसे डॉगी डॉगी का साइन बनाओ, छोटे से पाव बने हैं, तो ये वाली सॉक्स अपने बच्चों के लिए जरूर लेना, क्योंकि इससे ज्यादा कंफर्टेबल सॉक्स कोई नहीं है। ये देख तूबा ने भी अली पहनी हुई है। हां ये हमने वहां से ली थी, मैक्स से। मैक्स से मजेदार सॉक्स है, मजेदार। हां जी सोनमुंद्रू, पायलियर बड़े हो गए बच्चे। हां बच्चे बड़े हो गए भाई। सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।